हेलो बच्चों और सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम आपके बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास टेंथ की मैथ। टॉपिक चल रहा है आपका वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं 10 नंबर के सवाल से। ठीक है, तो देखो 10 नंबर के सवाल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, और जो बच्चे एक चीज़ का विशेष ध्यान देंगे, जिन बच्चों ने भी पहली क्लास नहीं देखी वो स्टार्टिंग की जरूर क्लास देख लेंगे, क्योंकि जो पहली क्लास में के संख्याओं के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया, अगर वास्तविक संख्या ही समझ में आ गया तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो ओके, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं 10 नंबर में। देखिए 10 नंबर सवाल में लिखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि धनात्मक पूर्णांक 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 क्या कह रहा है आपका। 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। और देखो इस सवाल में देखो क्या कहा है, कल के सवालों में ऐसे नॉर्मल था सवाल, एक दूसरा कौन सा था, वर्ग था, वर्ग था ना, और इसमें क्या कहा है, घन का है, तो घनमूल का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, ओके, घनमूल के फार्मूला लगा सकते हैं ना सबको। आप देखो इसका हल करने का तरीका क्या होता है, क्या लिखते हैं लोग, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटु में भाग फल, भाग फल और प्लस में शेष फल। ओके, भाज्य आप देखो भाज्य क्या है आपका, ए मान लेते हैं, भाजक बी, भाग फल क्यू, शेष फल आर। ठीक है, अब देखो जो आपका भाज्य क्या है, नौ है, नौ है ना, तो ओके नौ को लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ए बराबर 9 क्यू प्लस आर। अच्छा आर क्या है आपका, आर क्या है, शेष फल है ना। अच्छा तो जो आर होगा तो आर कितना मान बताइएगा एक बार, तो आर होगा तो सबसे पहले जो शेष फल बचेगा जीरो बच सकता है, लेकिन जो जीरो होगा आर मान लीजिए जीरो होगा, ये या तो आर मतलब या तो आर की जगह जीरो आ सकता है, मतलब बराबर भी हो सकता है जीरो, या तो छोटा हो सकता है, छोटा क्यों हो सकता है, आर का मान सबसे बड़ी संख्या क्या है, नौ, तो शेष फल कितना तक आ, तो कहां तक आ सकता है आपका, नौ, यानी जो आर का मान होगा शेष फल जो आएगा, याद रखना जो शेष फल आएगा वो नौ से छोटा होगा, यही तो कह रहा है, नौ से छोटा होगा। ओके, और यहाँ पे आर जो एक दो तीन होगा उससे छोटा जीरो भी हो सकता है। ठीक है, ओके यहाँ पे सुना, तो शेष फल यानी आर क्या क्या आएगा, यहाँ पे शेष फल यानी आर क्या क्या आएगा, जो शेष फल यहाँ पे जब नौ को किसी भी संख्या भाग दो, जैसे कि नौ को चार पाँच छः सात आठ जो भी लिखना हो मन में लिख दो, अब इसमें जब भाग देंगे, भाग देंगे तो जरा हमें ये बताओ बेटा शेष फल हर बार कितना बचेगा या लास्ट में कितना बचेगा, एक बचेगा, जीरो बचेगा, दो बचेगा, तीन बचेगा, चार बचेगा, पांच बचेगा, छह बचेगा, सात बचेगा, आठ बचेगा, बस यही तो बचेगा, नौ भी नहीं बचेगा ना, नौ के ऊपर बचेगा ये तो होगा। तो अब ये तो कौन कौन बचेगा, जीरो बचेगा, एक बचेगा, दो बचेगा, तीन चार पांच छह सात आठ, इतने शेष फल आपके बच सकते। ठीक है, अब यहाँ प्रूफिंग को देखते हुए चलना है कि ये हमको लाना है, तो सबसे पहले कंडीशन में आपका क्या है बच्चा, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है आपको, जीरो, यहाँ पे कितना बेटा जीरो रखने पर रख दिए। ठीक, अब फार्मूला क्या है आपका, ए बराबर 9 क्यू प्लस आर, आर एक जगह रख रहे ना जीरो आर, अब देखो यहाँ पे समझ आया ना तो बच्चे को, ठीक है बताइए कोई डाउट है यहाँ पे किसी बच्चे को। अब यहाँ पे देखो आपको सवाल में कहा है, देखो सब बच्चे बात फिर से सवाल में देखेंगे, देखो सवाल में कहा है कि धनात्मक पूर्णांक घन करना है, घन, घन का मतलब होता है घनमूल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे घन करने पर, घन करने पर, ठीक है, या दोनों पक्षों में घन करने पर। ठीक है, जब घन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ए क्यूब हो जाएगा बराबर में, यहाँ 9 क्यूब का हम क्यूब कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब बराबर 9 का क्यूब क्या होता है, तो होता है 732। वेरी गुड, तो यहाँ पे लिखेंगे 732 क्यूब, ये लिख देंगे। अब आपको देखो 9m लगना है, तो यहाँ से अगर हम 9 को कॉमन ले लें, अगर 9 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा बताइए, 81 बचेगा। वेरी गुड,
ठीक है, 81 बचेगा। सब बच्चे बताना कैसे, जिनको जो नहीं पता वो बच्चे इसको डिवाइड करा देंगे, हमको जिससे भाग देंगे तो आपका 81 आ जाएगा। ठीक है, और ये था ये आपका, ठीक ये बचेगा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जहाँ जहाँ 81 क्यूब बराबर क्या है बेटा आपका m है, तो ये आ जाएगा बेटा a क्यूब बराबर 9m आ जाएगा, यानी ये वाला पहला आ गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अब जब आगे देखते थोड़ा ये संख्याओं को आगे देखते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ से। अब देखो बेटा, अब दूसरे नंबर में क्या रखेंगे बताइए, एक रखेंगे ना, फॉर्मूला क्या होगा, एक रखने पर, एक रखने पर, चलो एक रख दो तो क्या हो जाएगा, a बराबर 9 क्यूब प्लस का वर्ग, यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, घन करने पर, घन करने पर, तो आपका हो जाएगा a क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, a प्लस बी के क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपका, a क्यूब प्लस क्यूब, यहाँ तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बोलो सब, a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी ब्रैकेट में, अगर यहीं पे माइनस का फॉर्मूला करते a माइनस बी का क्यूब का कर दे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हर जगह जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, बाकी फार्मूला आपका यही रहेगा, a क्यूब माइनस का 3ab और a माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। हो गया, बताओ कोई बच्चे को यहाँ तक, किसी बच्चे को डाउट, और देखो इस फॉर्मूले के आपको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, a क्यूब बराबर 9 का क्यूब करेंगे क्या आएगा, 7 × 9 आएगा और ये क्यूब आएगा। ठीक है, फिर प्लस 1 का क्यूब करेंगे वो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है ना, ओके प्लस इन तीनों को गुणा कराते हैं 3 × 9 × 1 का, और फिर क्या अंतर जाएगा 9 क्यूब प्लस का, थोड़ा इसको और सॉल्व करते तो जाएगा a क्यूब बराबर 7 × 9 का क्यूब प्लस का 1, देखो 27 अब 27 आया है यहाँ पे, चलो अच्छा लिख दो 27 क्यों, और फिर यहाँ बचा 9 क्यूब प्लस का 1। ठीक है, तो ये जाएगा a क्यूब बराबर 7 × 9 क्यूब, ठीक है प्लस का 1, इसका अंदर गुणा कराएंगे 9 से तो कितना आएगा, 9 × 7 = 63, 3 × 9 = 18, 18 × 6 कितना हो जाएगा 24 होगा yes, और यहाँ पर क्यों, अब 27 का वन में कराएंगे तो 27 से क्यों आएगा, हाँ यहाँ पर क्यों स्क्वायर होगा क्योंकि क्यों तो मत करा। अब देखो आप क्या करोगे, देखो आपको 1 लाना है, ये लाना है ना 9m + 1, तो इसको क्या करते हैं, देखो 1 जैसे लिखते हैं 7 × 9 का क्यूब, और जो क्यू वालों को हम एक आठ में लिख लेते हैं, क्यू वालों को पहले, ठीक है, तो ये जाएगा 243 स्क्वायर प्लस, हाँ मतलब तीनों को लिख रही है पास, और ये लास्ट में मन को छोड़ दिया। ठीक है, अब देखो क्या करना है, आपको 9 कॉमन लेना है, क्यों, क्योंकि आपको 9m लाना है, तो 9 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 81 बचेगा, और क्या बचेगा, क्यूब बचेगा। ठीक है, कोई बच्चा ये पॉइंट लगा तो सर ये तो भी जहाँ से क्यों भी सक लेते, पर हमें चाहिए क्या, देखो प्रूविंग अनुसार चाहिए क्या, आप सिद्ध करो एक करो। ठीक है, ओके आप देखो प्लस, अच्छा यहाँ से भी कॉमन लेके कितना बचेगा बताओ, कितना बचेगा 9 × 9 = 18 कितना बचा, 6 × 9 = 63 कितना हो गया 27 हुआ ना, 27 9 × 9 = 18 और फिर यहाँ 6 बचेगा 9 × 7 = 63 ये क्यों, और प्लस यहाँ पे 9 × 2 = 27 यहाँ 3 बचेगा प्लस 1। अब यहाँ पे आप फिर लिख दोगे, जहाँ क्या लिख दोगे, जहाँ 81 क्यूब प्लस का 87 क्यूब प्लस का 3 क्यूब m के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा a क्यूब बराबर 9m + 1। ठीक है, ये देखो आ गया एक आपका, ये आ चुका आपका। ठीक है, अब क्या रखेंगे हम लोग, क्या रखेंगे बेटा, एकदम आ जाएगा यहाँ पर, देखो आप क्या रखेंगे, इसे नोट करोगे कि
आप लोग नोट कर लो। ओके प्रयत्न, देखते हैं इसके आगे का सवाल, ठीक है। तो इसके आगे अब आप क्या क्या रखेंगे, वन का हो गया था, वन का हो गया था ना, आप क्या रखेंगे थर्ड नंबर में रखेंगे, क्या रखेंगे, दो रखने पर। चलिए दो रखने पर, ठीक है। अब दो रखेंगे तो फार्मूला को रहेगा ए बराबर नाइन क्यू, नाइन क्यू प्लस का क्या करेंगे आप, घन करेंगे, घन करने पर, करने करने दो बार हो जाएगा करने पर। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका ए क्यूब बराबर नाइन क्यू प्लस टू का होल क्यूब। यहाँ फार्मूला खोल देंगे, ये वाला जो बताया गया था, क्या हो जाएगा ए क्यूब बराबर नाइन का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, सीधे कर दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, 429 क्यूब प्लस दो का कितना आएगा, आठ आएगा। यहाँ पर मल्टीपल कराते ना तीनों का, तो क्या हो जाएगा, तीन दुना छिया चौवन, चौवन क्यू आएगा, है ना। और ब्रैकेट में क्या होगा, नौ क्यू प्लस का दो, ठीक है, ओके। ए क्यूब बराबर सात दो नौ क्यूब प्लस का आठ, गुणा करा देंगे इसका, ठीक है, नौ इसका कराएंगे चौवन और नौ का, तो देखो क्या आता है आपका, चौवन और नौ का कराएंगे तो देखो बेटा क्या आता है, ये क्या हुआ, ठीक है, जब कराएंगे देखो क्या आता है, सब अच्छे से बताइए, तो क्या हो जाएगा, नौ छाँच चौवन, ठीक है, नहीं हाँ नौ छत्तीस, ठीक है, यहाँ से लाए तीन और नौ पचे पैंतालीस, पैंतालीस अरे नौ पच्चे पैंतालीस, पैंतालीस तीन अड़तालीस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका चार सौ छियासी। और क्यों क्यों का पूरा कराएंगे तो स्क्वायर प्लस, अब इसका इसका पूरा करा देंगे, ठीक है, तो चार दुना आठ पाँच दुना दस, ठीक है, और ये आपका क्यों वालों को पास में कर लेना है, तो ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर सात सौ उनतीस क्यूब प्लस का चार आठ से, यानी चार सौ छियासी क्यू स्क्वायर प्लस का 108 क्यू और प्लस का 8, ठीक, देखो याद आ रहा कुछ, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 कॉमन ले लिया जाए यहाँ से, तो ए क्यू बराबर 9 को कॉमन ले लें तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा 81 क्यू क्यू का, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, फोर्टी चौवन। अच्छा चौवन कैसे बचेगा आपको पता है, चौवन जब नौ का गुणा कराया था तो छियासी आएगा, तो भाग कर देंगे तो चौवन आ जाएगा, तो या तो ऊपर से ये चीज़ देख सकते हो बिना मल्टीपल करे, देख सकते हो ना, ओके, यहाँ पे क्यों स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा, अरे सीधे नौ एक कम नौ, नौ दूना अठारह बारह आएगा प्लस का आठ। अब ये जो है आपका किसके बराबर मान लेंगे आप, एम के बराबर, ठीक है, देखो बेटा आ रहा है कमरे में नीचे, ठीक, यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, जहाँ 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 ये वाला सवाल क्या हो जाएगा, इक्यासी क्यूब प्लस चौवन क्यू स्क्वायर प्लस का बारह क्यू किसके बराबर है, एम के बराबर है, ठीक है, यहाँ पे आपका स्क्वायर होगा बेटा, ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा इसका ए क्यूब फार्मूला, नहीं तो सवाल पूछ जाएगा नाइन एम प्लस का, ठीक है, देखो ये तीनों चीज़ें आपकी आ गई, नंबर वन अभी जब यहाँ पे किया गया तब आपका नाइन एम आ गया था, और यहाँ पे आपका नाइन एम प्लस वन भी आ गया है, नाइन एम प्लस एट भी आ गया, ठीक है, तो आप यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा अतः, क्या लिख देंगे अतः, ठीक है, सवाल मांगे आपका, हाँ अतः धनात्मक पूर्णांक का घन जो होगा इसके रूप में हो सकता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः, ठीक है, अतः धनात्मक धनात्मक पूर्णांक का घन, ठीक है, का घन 9m कॉमा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है, बताइए किसी बच्चे को, अब कोई डाउट किसी बच्चे को कोई डाउट तो ओके बेटा आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर देखते हैं अगला सवाल, ओके बेटा चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका अगला 11, ठीक है, तो 11 नंबर सवाल में देखो क्या लिखा हुआ है, एचसीएफ करना है, ठीक है, कर लोगे सब लोग, ऐसे कर लोगे,
चलो अच्छा, 11 के बाद आपका 12, 12 हम बताएंगे, 13 नंबर सवाल आपका आपको होमवर्क देंगे, ठीक सेम है। तो एक बार ये जो बच्चे नए हैं वो एक बार ये देख लें, ठीक है, एक बार तो इसको करने के लिए बताया था। सबसे पहले सवाल क्या ध्यान में होना चाहिए, आरोही क्रम में होना चाहिए। तो ये आरोही क्रम में है या नहीं है? है ना, ऑलरेडी पहले से, तो उसको आरोही क्रम में करना है। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, छोटी संख्या रूप से बड़ी संख्या, रूप से बड़ी संख्या, सेम कंडीशन इसमें है, छोटी संख्या उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। तो सीधे आप 441 लिखेंगे और 5, 6, 7 नहीं देखे आराम से इसको क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे, करना आता ना सबको। तो सबसे पहले तीन संख्या यहाँ के लेंगे, 500 आएगा या 400 आएगा, अगर हम 2 से गुणा कराएंगे तो 800 कुछ आएगा, तो 2 से गुणा कराया जा सकता है, डिवाइड कराया जा सकता, नहीं कराया जा सकता ना, तो किससे कराएंगे, एक, तो 4, 4, 1 घटा दो, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 126। जब शेष बचता तो क्या करते हैं, अगली यहाँ की जो भी भाजक संख्या होती है उसको नोट कर लेते हैं, तो हमने भाजक संख्या को नोट कर लिया। अब ये कितनी बार में जाएगा, थोड़ा बहुत विचार कीजिएगा इस पर, सिंपल सी बात है, 3 संख्याएं हैं तो वह बैलेंसिंग कराते हैं, तो 41, 26 बैलेंस हो जाएगा, 1 का पाना ऐसा पड़ना है कि 4 से कम रहा है, तो 1, 3, 3, तो कितने जाएगा ये 3 से, ठीक है, तो 6, 18 के 8 और 3, 2, 6, 1, 7, ठीक है, और 3, 1, 3, ओके। अब देखो क्या बचेगा, 1, 3, 8 जाएगा नहीं, हाथ से लेंगे 11, 11 बचा जाएगा, कितना बचेगा 3, 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे कितना बचा आपका 3, 3 में से आपका 7 जाएगा नहीं, फिर से हाथ से लेंगे 13, 13 में से 7 की जगह बचा 6, तेज बोल दिया कर बेटा, कोई बात नहीं, सरवाना क्या है, आप ही की क्लास है, ठीक है। अब एक इससे जाएगा 2 बार में, पूरा चला जाएगा ना भाई, 63 गुना ही तो 126 होता है, तो 126 ये पूरा कट जाएगा, यानी जब इसको हमने डिवाइड करना चाहे तो पूरा 26 से कट गया, फिर जो 126 से कट गया है, फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 126 पूरा कट गया किससे, कट 63 से, 63 यहाँ लिखेंगे, अगली संख्या जो 393 को नोट कर लेंगे। अब यहाँ दो संख्या लेंगे तो 69 और यहाँ पे 63, तो सिंपल सी बात है, एक ही बार में जाएगा, आगे पीछे बच जाएगा, नीचे घटाएंगे जब आगे 3, कितनी बार जाएगा, फिर एक बार में, वाह ये कट गया कितना, तो HCF आपका क्या हो गया, 63 हो गया ना। चलो चरण लिख लेते हैं, तो चरण सबसे फर्स्ट में क्या किया गया, चरण लिखने का तरीका सबको पता है ना, फार्मूला पता है, किस फार्मूले से लिखते हैं पता है ना, इस फार्मूले से, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस का शेष फल, ये लिखते हैं फार्मूला, ठीक, चरण नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले क्या होगा, भाज्य, भाज्य आपका ये है 5, क्या है 5, 5, 6, 7 बराबर क्या होगा, 67, 567 बराबर 441 और इंटू ये 1 से कराएंगे, जोड़ेंगे 126, भाई आपका शेष फल वैसा पहले चरण में हो गया। दूसरे चरण में क्या होगा आपका, दूसरे में 441 बराबर 126 और गुणे में 3 और प्लस में 63, ठीक है। अब क्या कराएंगे, तीसरे में क्या कराएंगे, 126 बराबर में कहाँ गया, 63 इंटू कराएंगे 2 से, कितना बचेगा, शेष फल बचेगा यहाँ पर 0, लेकिन बात भी यहाँ पर खत्म नहीं होती क्योंकि आगे हमने किया है, यही तो है। चलो आगे वाला चरण क्या है आपका, 693 बराबर 63 इंटू 11 बराबर प्लस 0, अब यहाँ बात खत्म हो जाती है क्योंकि आगे है नहीं, तो क्या लिख दो, तो यहाँ जहाँ बात खत्म आ जाएगी HCF, अतः HCF जो होगा कितना होगा, 63 होगा, ठीक है। तो बताइए कोई बच्चे कोई सवाल में किसी प्रकार का डाउट, ओके वैसे नोट कर लीजिए, और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करते जाएंगे, ओके, तो क्लास को बहुत अच्छे से शेयर करते चलिएगा, ओके बेटा नोट कर लीजिए, ओके बेटा चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 12, ठीक है। देखो 12 नंबर भी आप लोग कर सकते हैं जो स्टार्टिंग से क्लास पूरी देख रहे हैं, क्योंकि देखो उसमें लिखा है दर्शाइए कि किसी धनात्मक
पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक का वर्ग। यहाँ पे क्या करना है आपको, वर्ग करना है बस, इतनी बात याद रखना। माइंड में क्या रखना, वर्ग करना है। सेम कंडीशन, सेम जैसे करते आ रहे हैं अभी तक सवाल, सेम करना है भाई। आप यहाँ पे क्या लिखते आ रहे हैं, भाज्य बराबर में भाजक और गुणे में भागफल और प्लस में जो हमेशा लिखते हैं क्या, शेषफल। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, ये आपका क्यू होता है, ये आपका शेषफल आर होता है, ठीक है। और ये कहाँ क्यों ही बोला था लेकिन बी लिख गया, ठीक है। हाँ देखो बी क्या है आपका, चार। तो ए बराबर हो जाएगा चार क्यू प्लस का आर, ठीक। अब आर की बात कर लें तो आर तो मुझे लग रहा आप आंखें बंद करके लिख सकते हो, लिख सकते हो ना कि भैया जीरो है उसका भैया बराबर चार को किसी भी संख्या से भाग दोगे तो चार से कम ही शेषफल बचेगा, ठीक है। ओके, तो आप सबसे पहले क्या रख लेते हैं, नंबर वन में जीरो रख लेते हैं, तो आप लिखेंगे जीरो रखने पर चलो जीरो रख देते तो क्या हो जाएगा, ए बराबर यहाँ पर फोर क्यू, आर की जगह क्या रखा आपने जीरो। आप क्या करा देंगे इसका वर्ग करने पर, जीरो का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे कराएंगे ए का स्क्वायर बराबर चार का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा ए स्क्वायर बराबर में बेटा चार चक उतना जहाँ उतना हमने बोर्ड में लिख दिया है 16, ठीक है। अब आपको क्या कर सकते हैं, से चार कॉमन ले लेंगे, क्यों देखो। अच्छा एक चीज़ और हम आपको बताएं, आपके एक चीज देखो, अभी तक जो सवाल हम कर रहे थे उसमें आपको कहीं 9m लाना था या mm करके कुछ लाना था, ठीक है, तो कोई बात नहीं। लेकिन इसमें अगर हम यहाँ पे ऑलरेडी क्या लाना है आपको, क्यों लाना है, तो अगर यहाँ पे आप m मान लो, m या कुछ भी मान लो, ये आप पे डिपेंड करता है, एन पी सी कुछ भी मान सकते हैं, बी सी डी में, जैसे कि हमने अगर यहाँ पे एम मान लिया तो आपका जो सवाल ये होगा थोड़ा सा और आपको इजी लगेगा। अब देखो जैसे यहाँ पे पिछले जैसे पिछला सवाल था सेम बन जाएगा, क्यों क्योंकि आपको यहाँ पे क्यों लाना है, तो यहाँ पे अब देखो क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर अगर हम क्या करते हैं चार को कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, चार चक्कू 16 एम स्क्वायर। अब हम वही बात कर देंगे जो पहले करते थे, जहां वाली बात कर देंगे, जहां वाली बात करेंगे जहां में 4 एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर में 4 क्यों। देखो आ गया नहीं आया, ये पहला कंडीशन आ गई। सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं आप, तो क्या रखेंगे सेकेंड नंबर में, वन रखने पर, यहाँ लिखेंगे वन रखने पर, चलो a बराबर में 4m है ना यहाँ पे प्लस का 1, तो यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा, वर्ग कर, वर्ग करने की अगर बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, यहाँ पर 4m प्लस का 1 का पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो फार्मूला सबको पता होगा, ये तो लिखने वाली से चीज ही नहीं है लेकिन फिर भी लिखे दे रहे, क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, तो यही फार्मूला आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक। ये लिख दें तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर में चार चक्कू 16 एम स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस का 2ab, यानी कहो तो तीनों का गुणा कराना है, एकदम 2 चक्कू 8 एम हो जाएगा, ठीक। एम वालों को पास में कर लेना है, फार्मूले कर रहे पहले कर सकते थे, कोई बात नहीं है, कर लो आराम से एट एम और ये प्लस का 1। यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे हम लोग, क्योंकि आपको चार क्यों लाना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे बताइएगा, देखिए चार को कॉमन, तो चार चक्कू 16 एम स्क्वायर प्लस 4 गुना 8 एम प्लस का 1, फिर वही लिख देना है जो हाँ जहाँ क्या है आपका हंसी क्या है 4 एम स्क्वायर प्लस का 2 एम और ये है आपका क्यू के बराबर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 4 क्यू प्लस का 1, ठीक है। तो अब आप क्या लिख देंगे इसके नीचे बताइए, अतः हाँ धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होगा क्या होगा आपका 4 क्यू प्लस 1 के रूप में होगा, के रूप में होता है। बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट इस पर, ओके फिर आप इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला सवाल।
ओके बेटे चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 14। ठीक है, देखो 14 में क्या लिखा हुआ है, तो बच्चे पहले रुक के अच्छे से पढ़ेंगे। और जो आपका 13 नंबर है, 13 नंबर है वो क्या है, आपका होमवर्क है। जो भी 13 नंबर में लिखा हुआ है उसको पहले देखिए, 13 आपका होमवर्क है, क्योंकि 13 में लिखा हुआ है यूक्लिड एल्गोरिथम का उपयोग करके आप इन संख्याओं का एचसीएम निकालोगे। तो सभी बच्चे एचसीएम निकाल लेंगे ना, कंफर्म है। ओके, फिर आगे देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में लिखा है यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 398, 336, 552 को पूरा भाग देने पर शेषफल क्रमशः 7, 11 और 15 प्राप्त हो। उन्होंने दिया है तीन संख्या दिए हैं और उनमें से तीनों के क्या दिए, शेषफल देते हैं। कहा है इनको ऐसा करो कि क्या होना चाहिए, शेषफल बड़ी से बड़ी प्राप्त हो, तो ये छोटी संख्या होते हैं। जैसे कोई भी संख्या जैसे आपका दे देता है 9, ठीक है। अब इसमें शेषफल अगर जैसे हम अगर किसी दो से डिवाइड कराएं, किसी से कराएं, तो दो से अगर हम कराते हैं तो जब 2, 8 पूरा कर जाएगा तो कितना बचेगा, एक शेषफल ही बचेगा। आपको ये शेषफल भी दे दिया उसने, 9 एक दे दिया है तो 8 बचेगा। तो 8 और जो तीनों संख्या जो हम कराएंगे सेव कराएंगे। अच्छा, एक अगर सिंपल सी बात है, 9 से अगर एक को माइनस कर देंगे तभी हम इसका सेव भी करेंगे, ठीक है। तो ओके, शेषफल को निकालना है, ठीक। तो सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ है, कहाँ गया, 398 क्या लिखा है, 398 और दूसरी संख्या लिखी है 437 और ये कौन क्या लिखी बेटा, 552, ठीक है, 552। ओके, 542 है, 42, ठीक है। ये आपकी देखो संख्याएं लिखी है, ठीक है। अब इनमें से पहली संख्या से आपको 7 को निकालना है, फिर 11 को निकालना है, फिर 15 को। तो हम सबसे पहली संख्या से 7 को माइनस करेंगे, फिर 11 को माइनस करेंगे, फिर 15 को माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा, 7 को माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 391। अब 11 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, कितना बचेगा 425। ओके, अब 15 को से माइनस करेंगे तो 12 से 5 हो जाएंगे, कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 3, 3 से क्या कितना बचेगा 2, यहाँ कितना बचा 5, ये ठीक है। अब क्या करना रहता है इसमें, एल्गोरिथम का प्रयोग करना रहता है ना, तो सबसे पहले इसको इस पर डिवाइड कराएंगे, ये कराएंगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, 391 4258 कितनी बार में जाएगा, ये एक बार में जाएगा, ठीक है। दो बार में 6 आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, दो बार में एक बार में जाएगा, कितनी बार में एक बार में, कितना आएगा जितना लिखा है आपका उतना आएगा, आएगा ना, 5 में से एक जाएगा, 4 बचेगा, बचेगा उसके बाद यहाँ दोबारा 12 में से हो जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 34। फिर क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, इसको 41, 1, ठीक है। फिर से एक बार मिल जाएगा और आप 34 लिखेंगे, 5 बचेगा, 51, ठीक है, यही तो बचेगा, ठीक। अब फिर से किससे कराएंगे, 1 से, फिर से जगह से कराएंगे, यहाँ पे 34 कराएंगे, कितना बचेगा यहाँ पे बताइए, 11 में चलाएंगे कितना बचेगा 7, ठीक है, यहाँ 7 बचेगा और यहाँ 1 बचेगा। जैसे से तो बचा क्या करेंगे 34 को, ये भाज्य को तुरंत नोट कर लेंगे, तो भाज्य क्या है 34 का नोट कर लेंगे, 17 × 34 से पूरा कट जाएगा, जैसे जिस संख्या से पूरा कट जाएगा उसी संख्या से, यानी उसी भाजक से, क्या उसी भाजक से, यानी 17 भाजक से हम अगला 527 को नोट कर लेंगे, ठीक है, भाज्य की जगह पर। अब फिर से वही कराएंगे जो कराते हैं, कितनी बार जाएगा 17 × 34 तरफ लिए 51, 3 बार में जाएगा 51, कितना बचेगा 1, 7, 17 × 1, 17 किससे कट गया पूरा 17, ठीक है। तो एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए इनकी क्या करेंगे, चरण को लिखेंगे, ठीक है। तो चरण सबसे पहले लिखते हैं, ये लिखते हैं चरण, ठीक है। तो चरण फर्स्ट क्या है आपका, सबसे फर्स्ट है 425 पहले लिखना, भाज्य, भाज्य में 425
बराबर भाजक, भाजक में क्या 391 और इंटू में क्या होता है भागफल और प्लस शेषफल, शेषफल में है 34। ये पहला चरण हो गया। सेकेंड चरण की अगर बात करते हैं तो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इसका भाज्य लिखेंगे कितना है 391 बराबर किसका कितना है 34 है बेटा, और इंटू में कितना है 11 है, वेरी गुड, और प्लस का क्या है 17 है। चलो अब आगे बात करते हैं चरण नंबर थर्ड की। चरण नंबर थर्ड में क्या है 34 है, कितना बेटा 34 है बराबर में 17 इंटू 2 है प्लस का 0 है, लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं होती क्योंकि आगे मैटर बचा है। यहाँ पे क्या आ जाएगा तो अगले चरण में 527 है बराबर में 17 इंटू 31 है और प्लस में 0 है, अब यही बात खत्म होती है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे इसके नीचे बताइए। एल्गोरिथम का जो प्रयोग करते हुए ये संख्या है कौन सी संख्या 17, ठीक है। बड़ी संख्या ज्ञात की जा सकती है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की जाती है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी ज्ञात की जा सकती है, सबसे बड़ी संख्या संख्या 17 ज्ञात की जा सकती है, ज्ञात की जा सकती है। पूछो बेटा क्यों, क्योंकि जो आपका HCF आया है वो आपका 17 है, ठीक है। बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट किसी भी प्रकार का, तो ओके बेटा आप बच्चे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला सवाल। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, अच्छे से। और फिर इससे क्या होगा, जब भी वीडियो अपलोड होगा आप यूट्यूब पे आएगा, ठीक है, तो करके जाइएगा, ठीक है, ओके। ओके बेटा चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका 15, ठीक है। देखो 15 में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सबसे पहले देखिए हिंदी पर लिखा हुआ है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी संख्याओं को ज्ञात कीजिए जैसे 2053 और 967, ठीक है। वो भाग देने पर जो शेषफल है इसका शेषफल माइनस करेंगे और उसका माइनस करेंगे, ठीक है। तो इसका माइनस करेंगे कितना बचेगा 2048 बचेगा, इसका करेंगे कितना बचेगा 960 बचेगा, ठीक है। अब ये दो आपके आ गए संख्या, ठीक है। अब सबसे छोटी वाले को भाग देते हैं तो छोटी वाली कौन सी है सबसे नीचे 960, तो 960 को जब हम 2048 में डिवाइड कराएंगे, अच्छा तो कितनी बार में जाएगा, यहाँ पे तीन संख्या है, यहाँ तीन लेते हैं तो ये 204 हो गए 900 है, तो कितनी संख्या लेंगे वो बढ़ा देंगे, चार ले लेंगे बैलेंस निकाल लें, 0 8 से बैलेंस 6 आपका 4 से बैलेंस 9 का ऐसा पार्ट करो कि 20 से कम आए, तो 9 × 2 = 18 तो 2 से बड़ा करा तो 0 2 × 12 हंसल आए 2 × 9 = 18 1 19 माइनस करेंगे तो यहाँ 8 बचेगा 4 4 से दो जाएंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ पर बचा 0 यानी हासिल लेंगे 10 10 सत्रह कितना बचा 1 बचा। अगली संख्या क्या है आपकी 960 को नोट कर लें, ठीक है, इतना कर लें। और किससे जाएंगे 7 बार, ठीक है, हाँ ये 7 बार में जाएगा, तो 7 8 56 हासिल जितना आया 5, ठीक है, 7 × 2 = 14 14 × 5 = 19 हासिल आया 1 7 1 7 1 8 बताओ कितना बचेगा, यहाँ पे यहाँ बचेगा 4 यहाँ यहाँ पर हासिल लिया था ना इसी बगल से, यहाँ बचा 5 यानी 15 15 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, ठीक है, ओके आ गया। अगली संख्या कौन सी है 128 नोट कर लेंगे, ये 2 बार में चला जाएगा है ना, ठीक है, ये 2 बार में पूरा चला जाएगा, ठीक है। आप देखो ये किससे कट गया आपका 64 से, यानी आपका HCF क्या आ गया बेटा 64 आ गया, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या ज्ञात की जा सकती है, सबसे बड़ी संख्या 64 हो सकती है, ठीक है।
तो सभी बच्चे इस सवाल को नोट कर लेंगे, ठीक है। और फिर आज की क्लास को इंटर रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में अगले एक्सरसाइज के साथ। तो सभी बच्चे अच्छे से नोट कर लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।